أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यकीनन हमने इसे शबे कद्र में नाजिल फरमाया। तुम क्या समझते हो कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्रील उतरते हैं। ये सरासर सलामती की रात है फज्र के तुलू होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मौजूद माओं, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस जुज़ अम्मा को यानी 30th पारे को समझने के लिए हमें बार बार जमा फरमाया अल्लाह पाक ने। आगे भी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत सूरतों को समझने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से हम उम्मीद के साथ साथ दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुबारक ली व लकुम आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी बहनों, सूरतुल कद्र जो कि आज हमारी यानी टॉपिक है, इन्ना अंज़लना हु फी लैलतिल क़द्र, और सूरतुल क़द्र हमारे कंटिन्यूएशन में है आज। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सूरा मक्किया है, मक्के में नाजिल हुई जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना अभी हिजरत नहीं किए थे, मक्के में ही थे, उसी वक्त ये आयतें नाजिल हुई। और इस मक्की सूरत को यानी इस मक्की सूरत को समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें दो नुकात बयान की है, दो चीजें हैं। एक है कि कुरान की अहमियत। आप नोट करने वाली ख्वातीन बहनें हमारी नोट कर लीजिए बात को कि इसमें दो नुकात पर बात की गई, दो चीजों पर अल्लाह तबारक तआला ने दो बातें हमें बताई, दो बातों पर रोशनी डाली गई। एक है कुरान, एक है कुरान की अहमियत, कुरान की कद्र, और दूसरा है लैलतुल कद्र। दूसरा है लैलतुल कद्र। तो पहली बात जो इन्ना अंजलनाहु, इन्ना अलिफ नून के ऊपर तजदीद होकर अगर बाद में अलिफ अलिफ जायद नहीं है, दूसरा अगर अलिफ नहीं होता तो वो इन्ना का माना होता है बेशक। इन्ना जब आता है मुतकलिम का अलिफ जो एक्स्ट्रा होता है उसमें, तो उसका माना आता है बेशक हमने। इन्ना यानी बेशक हमने, अंजलनाहु यानी ये अल्लाह ताला खिताब करके फरमाता है, इन्ना अंजलनाहु बेशक हमने नाजिल किया, यानी अल्लाह पाक ने नाजिल किया। हु उसको, उससे मुराद क्या है मेरी बहनों? हु यानी उससे मुराद, उससे मुराद है कुरान। नाजिल कौन सी चीज हुई? अल्लाह के पास से हम तक जो पहुंची कुरान। उसका नुजूल कैसे हुआ? अल्लाह तबारक तआला ने कुरान को नाजिल किया, तो ये नुजूल जो हुआ वो कुरान का, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की खास देन है हमारे लिए, खास तोहफा है जो अल्लाह पाक बताता है कि बेशक हमने उसको नाजिल किया लैलतुल कद्र में। लैलतुल कद्र में यानी लैलतुल कद्र की कद्र बढ़ गई इस चीज से कि उसमें कुरान का नुजूल हुआ है। सुभान अल्लाह। यानी उतारने का आगाज समझिए कि लोहे महफूज से जो बैतुल इज्जत में, लोहे महफूज से उस बैतुल इज्जा में जो आसमान दुनिया पर है, एक ही मरतबा उतार दिया गया।
یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ سارا قرآن اتار دیا گیا, کہاں سے؟ لوح محفوظ سے بیت العزا میں, یعنی جو آسمان بیت العزت میں, جو کہ آسمان دنیا پر ہے, ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا. اور وہاں سے یعنی حزب وقع, یعنی جیسے ضرورت پڑتی گئی, جیسے جیسے احکامات کا نزول ہوا, تو تھوڑا 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 کر کے 23 سال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں پورا قرآن نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنے سال میں میری بہنوں؟ 23 سال میں, 23 ایئرس میں پورا کمپلیٹ قرآن اترا. اور ایک رات لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے اسے بیت العزت میں لایا گیا. اور وہاں سے بیت العزت کہاں ہے میری بہنوں؟ آسمان دنیا پر. اور وہ آسمان دنیا سے تھوڑے تھوڑے کر کے احکامات, تھوڑے تھوڑے کر کے احکامات اللہ تعالیٰ نے کیا کیے, سارے قرآن کے احکامات, ساری قرآن تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. اور اس آیت کریمہ میں یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو بیان ہوا, یعنی ایک آیت جو ہے فرسٹ آیت, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے میری بہنوں؟ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے. اور اس کی دلیل ہمیں دیکھیے, قرآن خود قرآن کی تفسیر ہے نا, قرآن خود قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سورہ بقرہ میں پڑھے تھے نا ہم نے, آیت پڑھی تھی نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, اور رمضان کے اس مہینے میں ہی لیلۃ القدر میں ہی قرآن کا نزول ہوا. دو دو مرتبہ یعنی قرآن میں دو دو مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی آئی, اللہ پاک نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, اور یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں, بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. یعنی یہاں پر قرآن کی اہمیت, یعنی قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بتایا گیا کہ مطلب قرآن تو وہ چیز ہے, قرآن تو یعنی رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, یعنی اتنی بڑی چیز ہوئی, یعنی رمضان کی اہمیت قرآن سے بڑھ گئی, رمضان کی اہمیت قرآن سے بڑھ گئی, رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا, قرآن کا مہینہ کہا گیا. تو یہ قرآن کی یعنی عظمت اور اس کی کیا کہنا چاہیے, قدر کی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی قدر کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی اہمیت کو واضح کیا. تو میری بہنوں, ہمیں آپ کو بھی اس قدر ہی قدر کرنی ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا. ابھی قرآن کی قدر بولتے ہی ہمارے پاس جو یعنی دماغ میں جو بات آتی ہے, قدر سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اتنی یعنی مطلب کہ جو کیا کہنا چاہیے, ایک دکھاوے کی قدر ہے ہمارے پاس, یعنی ایک جو دکھنے میں آتی ہے چیز کے آپ نے قدر کی قرآن کی, کس طریقے سے کہ قرآن اوپر رکھی ہوئی ہے تو قرآن نیچے رکھی ہوئی ہے تو آپ اوپر نہیں بیٹھیں گے, ہے نا. قدر سے مراد ہم نے یہ لے لیا, قدر سے مراد نے ظاہری قدر لے لی, یعنی ظاہری قدر کیا مطلب قرآن نیچے رکھی ہوئی ہے اوپر نہیں بیٹھ سکتے, قرآن یعنی کیا کہتے ہیں کہ مطلب رکھی ہوئی ہے کوئی جگہ پہ, اس کو پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا ہے, قرآن کو پیٹ نہیں کرنا, قرآن کو یعنی کھلا نہیں چھوڑنا, اس کو جزدان میں رکھو, اس کو کپڑے میں لپٹ کے رکھو, قرآن کی مطلب یعنی اہمیت اس کی قدر ہمارے پاس اتنی رہ گئی کہ ہم اسے سب میں اوپر کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں, اور ایسا رکھ دیتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بھی نہ پہنچے, نہ کوئی بندہ اسے لے نہ پڑھے, بس گرد و غبار اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. اور مہینے میں ایک مرتبہ, 15 دن میں ایک مرتبہ جب گھر کی صفائی ہوتی ہے تو وہ صفائی کرتے وقت وہ اسے اہتمام کے ساتھ, ارے میں پاکیزہ ہوں تبھی سو سکتی ہوں, وضو کروں تو تبھی وہ قرآن کو صاف کروں, بس دھول صاف کرو اور رکھ دو. اور قدر ہم نے یہ کی کہ اسے یعنی اپنے آنکھوں سے لگایا, چوما اور رکھ دیا, یہ ہم نے قدر کی. اللہ کو کچھ اور قدر مطلوب ہے ہم سے, اللہ کچھ اور قدر چاہتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں, یہ بار بار اپنے درست میں مثال دیتی ہوں اس بات کی کہ یہ اس کی ایک مثال میں دے کر آپ کو واضح کروں بات کو, کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی سے کہا کہ میں آپ کی بہت زیادہ قدر کرتی ہوں, آپ کی دوست ہے, آپ کی استاذہ ہے, یا پھر آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے کوئی بھی بڑے ہیں, تو آپ ان کو کیا کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بہت زیادہ قدر کرتی ہوں, آپ بہت بزرگ ہیں, آپ بہت بڑے ہیں, آپ کی زیادہ بہت قدر ہے مجھے. اور وہ قدر کا میں نے کیا ایک طریقہ اپنایا کہ میں ان کو سب میں اونچی جگہ پر بٹھاتی ہوں اور ان کو یعنی یہ کہتی ہوں کہ مجھے بہت قدر ہے آپ کی.
उन सी जगह बिठाती हूँ और यानी उनके हाथों को चूमती हूँ, हाथ सर पे रख लेती हूँ, कहती हूँ कि मतलब मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। अब वो कुछ कह रहे हैं मुझसे, मेरे वालिदैन हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे वालिदैन हैं, मैंने उनकी बहुत ज्यादा कदर की, मैंने उन्हें ऊंचे मुकाम दिया, उन्हें इज्जत दी, उनको मैं कभी पीट नहीं करती, वो अगर ऊपर बैठे हुए हैं नीचे बैठे हुए हैं तो मैं ऊपर नहीं बैठती, पूरी मैंने ये जाहिरी जो क्या कहते हैं कि कदर है मैंने कर ली। अब एक बात ये आती है कि वालिदैन कुछ मुझे हुक्म देते हैं कि बेटा फला काम कर दो, फला कर दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, कुछ भी एक हुक्म देते हैं मुझे, और मैं उसको इग्नोर करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि नहीं मुझे आपकी कदर है लेकिन मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, यानी अमल से, यानी मेरे मेरा अमल ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, आप जो आपकी कदर मेरे पास बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अगर कोई आपको बुरा भला बोले तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूं। हाँ, कुरान के बेहुरमती अगर कोई करता है, कुरान की यानी कुछ भी, यानी कुरान के साथ बदतमीजी कोई करता है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसमें जो अहकामात है, जो कुरान कहता है, जो कुरान कहता है कि तुम फला काम करो फला काम ना करो, मुझे उसकी कोई कदर नहीं। तो मेरी बहनों, जैसे मैंने आपको माँ बाप का एग्जाम्पल देके बताया कि माँ बाप को आप ये कह रहे हैं कि मैं मुझे आपकी बहुत कदर है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, और वो कोई अहकाम दे तो मैं उसको लाइट ले लूं, बोले कि मुझे पहले तो मुझे सुनना ही नहीं है वो क्या अहकाम है, तो फिर नऊज़ु बिल्लाह ये कदर कैसे हुई, ये कदर कैसे हुई? हम कहते हैं कि हम कदर करते हैं, कहाँ कदर कर रहे हैं, क्या खाक कदर हो रही है हमसे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कदर तो वो होती है मेरी बहनों वाकई में हम कुरान की कदर को समझे हैं, जैसे अल्लाह पाक ने खुद उसकी कदर को वाज़ह किया कि उसको लैलतुल कद्र में नाजिल किया, कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल करके एक लैल, एक रात जो होती है, जो एक कॉमन रात होती है, लेकिन उस रात को लैलतुल कद्र बना दिया, कद्र वाली रात बना दिया गया, क्योंकि उसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा, क्या प्यारी है अल्लाह की जात कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जिस रात में नाजिल किया उस रात को लैलतुल कद्र कह दिया गया, जिस महीने में नुज़ूल हुआ कुरान का, जिस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ वो महीना महीनों का बादशाह बन गया, है ना? रमदान कौन सा महीना? सुभान अल्लाह, सारे 11 महीनों पर एक हावी महीना है, सारे महीनों का बादशाह कुरान के नुज़ूल ने महीनों के यानी एक 12 महीनों में से एक महीना जो कि कुरान का नुज़ूल उसमें हुआ तो वह बाबरकत महीना हो गया। रातें तो ऐसी कई रातें हैं लेकिन एक रात ऐसी लैलतुल कद्र की कि हजार महीनों से हजार रातों से बेहतर होगी वो रात, क्योंकि उसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। अल्लाहु मुस्तआन, अल्लाह हमारी मदद करे इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए, इस पर अमल करने के लिए। कुरान की कद्र हमने क्या जानी मेरी बहनों, हमने क्या जानी? आज हम नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक जितनी किताबें हम अपने बच्चों को पढ़ाते, सिर्फ 10th क्लास की बात बता रही हूं मैं, 10th तो हर कोई पढ़ा होता है, हर किसी को कहते ना कि मतलब कम से कम 10th निकाल ले बाद में देखा जाएगा, कोई अगर दिमागी अपाहिज भी है तो उसको भी कहा जाता है कि चलो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा तो कम से कम उसको 10th तो निकाल दो, यानी एक एक ये होता है ना कि मतलब एक माइंडेटरी चीज हमारे पास ये हो गई है कि कम से कम 10th। तो ये चीज आप तस्वुर कीजिए, नर्सरी से आपने जितनी किताबें पढ़ी, नर्सरी में आपने एक 4-5-2-3 किताबें कुछ तो पढ़ी होंगी, फिर LKG में UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी प्री प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन देन हायर तक जाने तक आप उन किताबों का बंडल बनाकर नीचे से बंडल बनाना शुरू कीजिए, छत तक लग जाएंगी किताबें। जितने वर्कबुक्स हमने चाट लिए, जितने रीडर्स हमने चाट लिए, जितने नोटबुक्स हमने लिख लिख कर भरा दिया उसको, यानी रट्टा मार मार के समझ के जैसे भी है उसको लिखा, उसको याद किया, तो वो बुक्स की लिस्ट पूरी आप उसकी उन बुक्स की बंडल को जमाइए तो आपका नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक का जितने स्टडीज हैं उन स्टडीज के यानी सारे बुक्स को जमा दें तो छत बस नहीं होगी, आगे बढ़ जाएगा आपका वो बंडल, एक बंडल आप एक के ऊपर एक किताबें जमाना शुरू करें। उतने सारे हमने अपने औलादों को पढ़ा दिया लेकिन हम कुरान पढ़ाने से कासिर हैं। वो कैसे पढ़ाया जाता कुरान? एक बंदा आता है या एक बंदी को मुकर्रर कर लिया जाता है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बस खत्म, यानी कुरान सीख लिया, हमारा बच्चा कुरान पढ़ता तो हो गया, कदर हो गई उसकी, जो बच्चे ने पढ़ा क्या बच्चे ने वो समझा? जैसा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कुरान बाज़ वक्त लोग कुरान पढ़ते हैं कुरान खुद उन पर लानत करता है,
और वो अपनी जुबान ही अपने आप पर लानत भेजते हैं। अचंबा हुआ ना सुनकर, हैरत हुई ना, कह रहे ऐसा कैसा होता है कि हम खुद कुरान पढ़े और हम अपने ऊपर लानत भेज रहे, कैसे? कुरान की एक आयत से मैं आपको दलील दूं इस चीज की कि अल्लाह ताला फरमाता है फलअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या है अल्लाह का फरमान? फलअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। और मैं कुरान पढ़ रही हूँ और कुरान बनकर कर मैंने झूठ बोला, या फिर कुरान पढ़ने से पहले मैंने झूठ बोला था और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कुरान में क्या पढ़ रही हूँ, यानी मैंने झूठ बोला कोई बात पर, मैंने झूठ बोला, फिर मैं कुरान खोलकर पढ़ रही हूँ और उसमें एक आयत से गुजर रही हूँ फलअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर, और मैं आगे बढ़ गई और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा। समझ रही हैं आप बात को? यानी हम अपने बच्चों को ऐसा कुरान पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि बच्चे को माना ही नहीं पता, उसका माना ही नहीं पता, तो क्या हक अदा हुआ उसका, कैसा हक अदा हुआ उसका? उसके मानी को नहीं समझे बच्चे, उसके मफहूम को नहीं समझे, उसके शान नुजूल को नहीं समझे, कुरान को बंदा नहीं समझा। हम बोलेंगे कि हाँ अभी तो छोटा है, अभी तो छोटी है, अरे टेंथ में ही है, तुम क्या बात कर रही हो कि वो तो टेंथ क्लास में ही, वो सारा कुरान कैसे समझेगी? ठीक है, अमाम अल्लाह ठहर कर ये बात हम जवाब दे सकेंगे, अल्लाह के सामने जब हम ठहरेंगे अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुमने मेरे कलाम को अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाया, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं वो दूसरे स्टडीज बहुत थे हमारे, या फिर टाइम नहीं था, या सारी तो कुरान तो इतनी मोटी किताब है वो कैसे पढ़ाएंगे? टेंथ क्लास तक आपने इतनी स्टडीज करा दी और कुरान से खातिर है आपका बच्चा, तो नऊज़ बिल्लाह, फिर क्या फायदा है, क्या फायदा है, क्या खद्र हमने की इसकी? तो मेरी बहनों, कहने का मतलब ये है कि हम जो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, उसको समझकर पढ़ना, तिलावत किसे कहते हैं? तला यतलऊ तिलावतन, किरात अलग है, किरात यानी करा यखरऊ पढ़ने को कहते हैं, तिलावत कहते हैं पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना। देखिए किरात और तिलावत में फर्क है। किरात वो होता है कि कारी जो सिर्फ पढ़ता है, तिलावत कहते हैं यानी समझ के पढ़ना और उसको अमल में लाना। तो मेरी बहन, जब हम कुरान के अहकामात को अमल में लाना शुरू कर देंगी तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हम अल्लाह के सामने ठहरेंगी, मौत हो जाएगी और अल्लाह के सामने ठहरेंगी, तो अमाम अल्लाह हम इंशाअल्लाह अपने आमाल को, यानी जब पेश होंगे हमारे आमाल, तो उस वक्त हमें राहत मिलेगी कि हाँ हमने कुरान का हक अदा किया था, कुरान की कद्र की थी। अगर हमने कुरान पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, तो फिर कहाँ हुई कद्र? तो फिर अल्लाह हमसे जरूर सवाल करेगा। अच्छा, हत्ता के कुरान की एक आयत में आपको बता दूं, वो आयत तो बार बार यानी मेरे जहन से बार बार टकराती है। यानी उस आयत में अल्लाह पाक ने ये कहा कि कुरान, यानी कुरान को जो बंदा छोड़ देता है, काना महजूरा का लफ्ज है, महजूरा यानी हिजरत को कहते हैं। हिजरत किसे कहते हैं? कोई चीज छोड़ छाड़ कर दूर निकल गया बंदा, उसको हिजरत कहते हैं। हिजरत यानी माइग्रेट होना, यहाँ से छोड़ छाड़ के सब अपने वतन को छोड़ा, अपने अजीज व अकारीब को छोड़ा, अपने माल दौलत जो भी यहाँ पे सेटअप था पूरा छोड़ छाड़ के किसी और तरफ जाकर सेटअप करता है अपना। अब उसका पिछले से कोई ताल्लुक नहीं रहता, वो सारी हिजरत जिसे कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कानों को खोल कर ये बात सुनिए, अपने दिमाग में ये बात लिख लीजिए, कि कुरान में आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नबी अपने उम्मतियों, बाज उम्मती जिन्होंने कुरान को समझा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, तो उनके बारे में कहे इत्तखज़ू या रब, ऐ मेरे रब इनको पकड़ लो, इन्होंने क्या किया? कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह मेरी कौम के इन लोगों को पकड़ो जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, उसकी कदर नहीं की, उसकी अहमियत को नहीं जाना, बस अहमियत इतनी थी कि आंखों को लगाया, होठों से छुआ और ऊपर रख दिया। ये मेरी बहनों इज्जत नहीं है, इसको इज्जत नहीं कहते।
इज्जत कहते हैं, यानी आपको क्या करना है, इज्जत क्या चीज होती है, कुरान की इज्जत क्या होती है, कुरान की कद्र क्या होती है, कि आपको उसको समझना है और उस पर अमल करना है, समझना है अमल करना है, समझना है अमल करना है, यानी बार बार हमें अल्लाह की आयतों को पढ़नी है, बार बार हमें अल्लाह की आयतों को पढ़ना है, समझना है और अपनी जिंदगियों में से अमल में लाना है। क्या नहीं है मेरी बहनों कुरान में, कौन सा इल्म कुरान में नहीं है? हर वो उलूम कुरान में है, हर वो उलूम कुरान में है, हर वो गाइडेंस कुरान में है। आपको सेकंड में क्या करना है, कब क्या कदम उठाना है, कैसे आपको लोगों के साथ बातचीत करनी है, अपनी चाल कैसी हो, अपनी बातचीत कैसी हो, अपनी आवाज की वॉल्यूम कितनी हो, वो तक कुरान में सेट कर दी गई। सुभान अल्लाह, आवाज की वॉल्यूम कितनी होना चाहिए वो भी कुरान में बताया गया है। आपको ये भी बताया गया कुरान में कि दुपट्टा डालने का अंदाज कैसा होता है, मेरी बहनों ख्वातीन को दुपट्टा डालने का अंदाज कैसे होना चाहिए वो भी कुरान में बतलाया गया। किसके घर में आप बिला इजाजत जा सकते हैं, किसके घर में बिला इजाजत नहीं जा सकते, जो जो हमारी बहनें थर्ड लेवल की हैं, सूरतुन्नूर पढ़ रही हैं, उनको पता है ये बात सुभान अल्लाह के अल्लाह ताला ने एक एक बात, यानी कब इजाजत लेकर किसी के कमरे में जाना है, कब दरवाजा किसका किस वक्त खटखटाना है, किस वक्त नहीं खटखटाना है, हर वो चीज बयान कर दी गई कुरान में। हमने कद्र नहीं की, हमने नहीं जाना, हमने किस चीज से सीखा, हमने अपने फला बड़ों से सीख लिया, उनसे सीख लिया, तहदीज तहजीब और तमद्दन हमने किससे सीखा, खानदान वालों से, घर वालों से, महल्ले वालों से, मुआशरे से सीखा और बद तहजीब बन गए। कोई तमद्दन हमारा तमद्दन नहीं, कोई तहजीब हमारा कल्चर कल्चर ही नहीं रहा। हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फला के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, फला के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, उनका अच्छा देखा ले लिया, उनका अच्छा, क्योंकि हमने एक जबरदस्त चीज को नहीं देखा ना कुरान को। ये आपको माशराती जिंदगी में कैसी जिंदगी गुजारना है, आपको रूल्स एंड डोंट्स पूरा बतलाती है कुरान, क्योंकि इसकी कद्र जानो मेरी बहनों, इसकी कद्र जानो। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, अल्लाह ने कहा कि बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, तो वो लैलतुल क़द्र में, यानी एक लैल एक रात, रात तो रात ही होती है लेकिन वो कद्र वाली रात बन गई जब जब इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। तो इतनी बड़ी अहमियत है लैलतुल क़द्र की, कैसे तड़पते हैं ना हम कि हमें मिल जाए लैलतुल क़द्र, हमारी मगफिरत हो जाए, हम ढेर सारे नेकियां कमाएंगे, इतनी सारी इबादात करेंगे। अरे वो कद्र वाली कैसे बनी रात, उसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। कुरान की अहमियत को हमें नहीं भूलना है। हाँ हम रमजान की हद तक याद रखते हैं कि रमजान में हमने दौरे कुरान कर लिया, सारा कुरान हम समझ लिया, अब बंद करके रखो तो 11 महीने तक फुर्सत है, अब ये नहीं खोलना कुरान, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, जिंदगी के हर शोबे में हमें काम आती है कुरान, हर हर जगह पर हमें गाइडेंस मिलता है कुरान से। समझो उसको, समझाओ, समझो और समझो, यही हमारी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के हर कदम पे, हर मोड़ पे हमें कुरान गाइड करता है मेरी बहनों। दुपट्टा डालने का अंदाज भी कुरान बताता है, आवाज की वॉल्यूम कितनी हो जाए वो कुरान बताता है, चाल चाल है ना, चाल चलने वाली, यानी मतलब है कि जब बंदा चलता है जमीन पर तो चाल कैसी होनी चाहिए वो भी कुरान में बतलाया गया। क्या क्या चीज नहीं है कुरान में, सुभान अल्लाह, यानी हर वो चीज कुरान के जरिए से हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें चाल कैसी चलनी है, बात कैसी करनी है, गैर मर्द से कैसी बात करनी है, महरम से कैसी बात करनी है, ना महरम से कैसी बात करनी है, तमाम वो चीजें कुरान में सिखाई गई। अंदाज, अंदाज बात करने का अंदाज कैसे होना चाहिए, एक गैर महरम से आप बात कर रही है तो बात करने का अंदाज कैसे होना चाहिए, खरा खरा होना चाहिए। औरतों को हुक्म दिया गया कि जब तुम किसी गैर मर्द से बात करो तो अपने अंदाज को खरा खरा रखो, कहीं ऐसा ना हो कि दिल की बीमारी वाला शख्स बीमारी में मुब्तला हो जाए। ये कुरान की मैं आयत आपको बता रही हूँ, यानी अल्लाह ताला ने खरी अंदाज में, यानी साफ साफ बात करो, लचकदार अंदाज में होता ना, आजकल हम अपने बच्चियों को भी यानी खुश होते हैं देखकर, बाज माँ बाप अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि बच्चियां जब क्या कहते हैं कि अंदाजों एक्टिंगों वाली गुफ्तगू करती है ना, ऐसा लगता है कि मतलब बात कर रही है तो सीरियल चल रहा है, यानी बेहया औरतों के जो एक्सेंट अपनाती है, बेहया औरतों के जो आवाजें निकालती हैं बात करते वक्त, हम समझते हैं कि हमारी बच्ची बड़ी तमद्दुन वाली हो गई, बड़ी क्या कहते हैं उसे एक कल्चर्ड हो गई है। नहीं, बेहया औरतों का कल्चर अपनाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखा मैंने ऐसे माओं को, देखा मैंने, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमें महफूज रखे, कभी हमारी बच्चियां ऐसी गुफ्तगू करती हैं जो एक बाजारू किस्म की औरतों की गुफ्तगू होती है तो हम फौरी रोक दें। हम ये नहीं देखें कह रहे वो हीरोइन वाला अंदाज है, वो हीरोइन वाला अंदाज है, वो सीरियलों वाला अंदाज है, उसमें खुश होने की बात नहीं है, शर्म से डूब मरने की बात है।
बच्चों को बोले खरी गुफ्तगू करें, अपनी बच्चियों को खासकर अपनी बच्चियों को बोले कि खरी गुफ्तगू करें, एक्टिंगों वाली बात नहीं करें। तो क्योंकि कुरान सिखाता है आपको कि किससे कैसी बात करनी है, जब बच्ची को यही आदत हो गई है एक्टिंगों वाली बात ही करना, अब वो वही बात करेगी, गैर मर्द से भी वही बात करेगी, अब उसके दिल में है ना, मतलब कुरान की साफ आयत है कि दिल की बीमारी वाला शख्स कहीं बीमारी में मुब्तला ना हो जाए आपका अंदाज देखकर। ऐसे लचकदार अंदाज में बात कर रही है तो गोया आप दावत दे रही हैं उसे। ये चीजें हो रही है माशरे की, मैं एक छोटी छोटी बातें निकाल कर आपको बता रही हूँ, छोटी नहीं है ये तो, देखो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कॉमन, छोटी से मुराद बहुत कॉमन बात हो गई है आजकल। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम क्या समझते हैं हर बात को रोकेंगे बच्चों को। हाँ बिल्कुल बेशक, क्योंकि कुरान आप पढ़े तो कुरान के अहकामात पर मैं और आप अमल नहीं करते, हमारे औलादे नहीं करते, तो किस पर करेंगी, किस पर अमल करेंगी, माशराती माहौल पर, तो वैसी डूबेंगी फिर। अब हम अल्लाह क्या जवाब देंगे, हम रोजाना पढ़ती थी इन्ना अंजल्लाहु फी लैलतुल क़द्र, हजारों मरतबा हमने पढ़ लिया इस आयत, हजारों मरतबा हम गुजर चुके इस आयत पर, लेकिन क्या कद्र हमने की कुरान की, जैसे अल्लाह पाक ने कद्र करना सिखाया हमें। अहकामात से भरी है कुरान, सुभान अल्लाह, अहकामात है, अकीदा है, तौहीद, अल्लाह ताला की जात की अल्लाह ने पहचान दिया, इंट्रोडक्शन दिया अपना। अल्लाह का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते, अल्लाह के इंट्रोडक्शन को नहीं समझते, अल्लाह की बात को नहीं समझते, अल्लाह ताला की पहचान हमें नहीं है, तो फिर अल्लाह के कैसे बंदे बनते हैं हम। अल्लाह की बंदी बनने के लिए मेरी बहनों अल्लाह की पहचान हमें जरूरी है। हमने ना खुद को जाना, ना हमारे रसूल को जाना, ना हमारी कुरान को जाना, ना अल्लाह को जाना, तो क्या जानेंगी, क्या जाएंगी फिर, जब यही चीज जो बुनियादी जरूरतें हैं हमारी, जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हमको संवारने वाली बात है, जब हमने वही बात को नहीं जाना, वही बात को नहीं समझा, वही जात को नहीं समझा, वही किताब को नहीं समझा, तो फिर हम क्या खाक समझ रही हैं, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए मेरी बहनों की जो कद्र अल्लाह पाक ने की कुरान की, और जो कद्र बतलाया हमको कुरान की कद्र करने की, अल्लाह चाहता तो कौन से भी महीने में नाजिल करते तो उसको जिक्र भी नहीं करता कि बस खुदा खद्र वाली कुरान है, लेकिन नहीं, महीना भी रमजान का रखा तो अल्लाह ने कहा कि रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमदान तो वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, मतलब ये कि रमजान की अहमियत बढ़ गई कुरान से। लैलतुल क़द्र के बारे में कहा तो लैलतुल क़द्र के बारे में ये कहा कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने बेशक उसको नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, यानी लैल एक आम रात जाकर लैलतुल क़द्र बन गई कुरान के नुज़ूल की वजह से। तो सुभान अल्लाह मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने जब इतनी कद्र की उसकी, और अल्लाह ताला ने हमको वाज़ह किया कि उसकी कद्र करना है, उस पर अमल करना है, अगर हम लाइट लेते हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं करते, अगर हम उसके वाकयात को नहीं देखते, अगर हम उसकी इबरतों को नहीं समझते, यानी कुरान में इबरतनाक वाकयात भी बयान किए गए, फरमाया फातबिरू या उलिल अबसार, तुम ए उलिल अबसार ए अकलमंदो, इससे तुम नसीहत हासिल करो, इससे तुम नसीहत हासिल। हम नसीहत कहाँ से हासिल करते हैं, हमको जब ठोकर लगती है तो उस वक्त हम नसीहत हासिल करते हैं, बस तो वो भी नहीं करते, दोबारा ठोकर के लिए रेडी करते हैं अपने आप, नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि फातबिरु या उलिल अबसार ए अकलमंदो, इससे तुम नसीहत हासिल करो, कुरान के वाकयात, अल्लाह ताला ने जो पिछली अखवाम के वाकयात बताए, अच्छा सिर्फ वाकयात ही नहीं बताए बल्कि खोल खोल कर उनके अहवाल भी बताए, कैसे वो लोग थे जो अल्लाह के गजब का शिकार हुए, कैसे वो लोग थे जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, कैसे वो लोग थे जिन पर अल्लाह ताला की लानत बढ़ती, कैसे वो लोग थे जिन पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल किया, उनकी सिफात अल्लाह ने बताई कि देखो वो ये काम करते थे, इस वजह से उन पर अल्लाह का अजाब आया। हमें तो नहीं पता, अब हमें से कई लोग ऐसे गुजरेंगे हमारे खानदान में, देख लीजिए दोस्त अहबाब में, देख लीजिए अपने खुद के घरानों में, देख लीजिए उनको नहीं पता कि अल्लाह का अजाब कब आता है। पिछली अखवाम की जो मिसालें दी गई, पिछली कौमों की जो मिसालें दी गई, पिछली लोगों की जो मिसालें दी गई, उनके क्या कैरेक्टर थे जिसकी वजह से उन पर अजाब आया, उनके क्या आदात व अतवार थे, उनके क्या तरीके थे, उनके क्या हरकतें थी जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया, हमको यानी उस बात को देखना है, कब जबकि कई खानदान हमारे, कई घराने हमारे ऐसे हैं जिनको ये बात का पता नहीं है। हाँ वो तमाम चीजें उनको पता है, दुनिया में क्या हो रहा है, फला क्या है, वो पिक्चर्स कितने किस्म के होते हैं, किसमें क्या स्टोरीज होते हैं, क्या वो सोशल मीडिया पे क्या होता है, वो मुतहर्रिक है, वो तमाम चीजें मालूम है। मालूम नहीं है तो बस यही नहीं मालूम है, जो कि हमारा सरमाए हयात है,
जिंदगी जीने के लिए एक जरूरी एक आंसर है, ये जरूरी जुज है हमारे लिए। तो हुई ना फिर मुर्दा लाइफ, उसे तो मैं वही कहूंगी, हयात रखते हुए भी मर्दुल मौत में मुब्तला है, मुर्दों की जिंदगी गुजार रहे, जिसको कि वही मतलब बेहोश, बेहोश है ना, मुर्दा मुर्दा होश में होता नहीं, होता मरा हुआ शख्स, उसको तो कोई परवाह ही होगी ना दुनिया की, उसके साथ क्या हो रहा है क्या है, उसे तो कोई परवाह, तो वैसी वाली जिंदगी होगी ना, उज़ुबिल्ला। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रूह को मार दिया। मुर्दा कौन होता है? जिसकी रूह नहीं होती, रूह चली जाती। तो आज हमने क्या किया, अपनी रूहों को रखते हुए उसे तड़पा रहे। रूह की गजा कुरान है, हम उस रूह की गजा का परवाह नहीं करते। भूख शदीद लगती है, फौरी हम अपनी जिस्मानी गजा का फौरी इंतजाम कर देते हैं, रूह तड़पती है, रूह की गजा का इंतजाम नहीं करते। रूह की गजा क्या है मेरी बहनों? कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम रूह की गजा है। आप उसको तरोताजा रखना है, तरोताजा रखेंगे, खुशबू वाली रूह रखेंगे तो सुभान अल्लाह, इल्लियीन में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको उसमें से बना दे यार, जो खुशबू वाली रूहें होंगी। आपको बताएं अपनी रूह में खुशबू होती है या बदबू होती है? बदबू कब होती है? जब वो रूह सड़ जाती है। और वो कब सड़ती है रूह? जब उसे गजा नहीं मिलती, कुरान की आयतें उसे नहीं मिलती। कुरान की आयत कैसी मिलनी है? ऐसी ऐसी मिलना, ऐसी मिलना हमें जिसके जरिए से कि अल्लाह तआला सूरह फज्र में आया ना, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, इर्जिउ इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, लौट तू अपने रब की तरफ कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। तो वो वाला मामला हमारा होना चाहिए मेरी बहनों। कद्र कुरान की ये होती है कि हम उसकी कद्र ऐसे करें कि इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह उस पर ऐसे अमल करें कि हमारी रूह इत्मीनान वाली रूह हो जाए, रादियतम मर्दिया, वो अल्लाह से राजी और अल्लाह उससे राजी, सुभान अल्लाह। तो ये कद्र वाली रात को हम पहचाने। अल्लाह फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? यानी इतनी बाबरकत कुरान इसमें नाजिल हुई तो वो कैसी रात है, जानो इस रात को, तुम्हारे इदराक में यानी तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कैसी रात है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र खैर है, बेहतर है, किससे? मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से। यानी इस एक रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से बेहतर है। हजार महीने में कितने साल होते हैं मेरी बहनों? कैलकुलेट करिए, हजार महीनों में कितने साल होते हैं? 83 ईयर्स होते हैं। 83 ईयर्स चार महीने बनते हैं एक हजार महीनों में। ये उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मेरी बहनों, बहुत बड़ा एहसान मुझ पर आप पर, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी में अल्लाह ताला ने इस एक रात को पाने पर ये कह दिया कि हजार महीनों की इबादत तुम्हें तुम्हारे क्या कहते हैं कि हिस्से में लिख दी जाएगी। हुई ना बड़ा बड़ा एहसान कि एक रात आपने पा लिया लैलतुल क़द्र को, तो क्या होगा? लैलतुल क़द्र को आप पा लेंगे तो क्या होगा आपके लिए? सुभान अल्लाह, उस रात को पाना गोया कि आपने उस रात में जितनी नेकियां की वो नेकियां आप 83 इयर्स तक कंटिन्यू करने उतना सवाब है, सुभान अल्लाह। समझे बात को? यानी एक रात में आपने जो इबादत की लैलतुल क़द्र की, गोया के 83 इयर्स तक वो इबादत करने का आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारे लैलतुल क़द्र के रातें कैसी गुजरते हैं? हमारी लैलतुल क़द्र की रातें कैसी गुजरती हैं? 21वीं शब से लैलतुल क़द्र शुरू होती है, 21वीं शब से लैलतुल क़द्र शुरू होती है, 29वें शब तक खत्म होती है, 21 रमजान से 29 रमजान तक। उस वक्त हमारा क्या हाल होता है? अरे ईद को 10 टेस्ट रह गए, कपड़े आ गए कि नहीं आ गए, चप्पल आ गई कि नहीं आ गई, चूड़ियां आ गई कि नहीं आ गई, ये हमारे ख्यालात होते हैं, ये हमारी मसरूफियात होते हैं। अरे ईद को 10 दिन रह गए, सफाई हुई नहीं हुई, देखो उधर जाला नजर आ रहा है, वो फला हो रहा है, मेहमान आएंगे तो उनको कैसे सर्व करना है, वो सोफे चेंज कर लेना था, ये नहीं हुआ था, फला बेडशीट्स नहीं आए, अभी पर्दे नहीं आए, वो लेना था, ये लेना था, बाजारों की चक्करें, घर को सजाने में लगे हैं, ईद को 10 डेज रह गए, फला नहीं हुआ मेरा, ईद को 10 डेज रह गए, ईद को 7 डेज रह गए, ईद को 5 डेज रह गए। अरे सुभान अल्लाह, उन दिनों में तो आपको कसरत से इबादत करनी है, ये सोचना है। हम तो लोगों को राजी करने के लिए, खुद को राजी करने के लिए, पहले तो मैं कहूंगी लोगों से ज्यादा खुद को सेटिस्फेक्शन कि मैं ईद में ऐसी दिखूं, मैं ईद में वैसी दिखूं, मैं ईद में ये पहनूं, मैं ईद में वो पहनूं, मैं फला करूं फला करूं, ये तमाम तो है मेरे पेश नजर।
कि मैं अपने आप को राजी कर लूं, लोगों को राजी करने के लिए कोशिशें हैं मेरी कि मतलब लोग आए तो कहें कि वाह क्या शीरखुरमे का सेट रखा है, अरे वाह क्या कश्ती रखी है, क्या सोफा है, क्या पर्दे हैं, लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। तो मैंने तो बहुत सोच लिया, क्या मेरा अल्लाह राजी हुआ मुझसे? सोचना क्या है हमें, सोचना ये है कि क्या मेरा अल्लाह मुझसे राजी हुआ इस महीनों की इबादत में, इस महीने की इबादत में, इन रातों में मुझे मनाना है अल्लाह को और मुझे लैलतुल कद्र को पानी है। मैं तड़पू कि अल्लाह मुझे लैलतुल कद्र नसीब फरमा दे, अल्लाह इस लैलतुल कद्र को मेरी मगफिरत फरमा दे, क्योंकि लैलतुल कद्र वो है कि खैरु मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से बेहतर है। तनज्जुलुल मलाइका वर्रूह, हर काम का सरंजाम देने के लिए मलाइका और रूह, फीहा उसमें भी इज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र, हर काम को अंजाम देते हैं। तनज्जुलुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते हैं, वर्रूह और जिब्रील अमीन भी, फीहा उसमें भी इज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र, सारे काम को अंजाम देते हैं। तो मैं सोचूं कि अल्लाह अकबर, कौन सी वो रात होगी अल्लाह मुझे मिलाएगा, नहीं अगर नहीं मिलाया तो बदनसीबी हो जाएगी मेरी उस रात से। मैं उस रात को कीमती जानूंगी, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी लोगों को मनाने में, घर के कामों में, फला में, इसमें। एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है, उसको वो लिमिट में अपने काम को कंप्लीट कर दे और लग जाए अल्लाह की इबादत में। लेकिन नहीं, हमें तो इफ्तार पार्टियां करनी है, हमें तो शॉपिंग्स करनी है, हमें तो बाजारों की रौनक बननी है, जबकि कहा गया कि तुम इबादत गाहों की रौनक बनो, एतकाफ बैठो। तो वो तो हमें नहीं होगा, हम बाजारों की रौनक बने, नऊज़ बिल्लाह। तो क्या कदर की हमने रमजान की, क्या कदर की हमने कुरान की, क्या कदर की हमने अल्लाह की, जबकि अल्लाह ताला ने सारी एक सूरत को नाजिल कर दिया कि देखो ये लैलतुल कद्र वो है। सूरह का नाम ही कद्र रखा गया, कद्र वाली सूरत है। क्यों? फिर अगेन मैं पॉइंट पर आऊंगी जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें कुरान का नज़ुल हुआ, कि कुरान वाला महीना है, कुरान वाला महीना। तो इसको यानी इस कदर उसके अहकामात को तहफीज कर लेना, इस कदर उसके अहकामात को याद कर लेना है हमें कि 11 महीने तक उसके ऊपर हमें जमे रहना है। समझ आई बात? यानी एक महीना हम जो इबादत कर रही हैं, जो कुरान पढ़ रही हैं, तर्जमा पढ़ रही हैं, तशरीह उसकी पढ़ रही हैं, तफसीर पढ़ रही हैं, तो वो चीजें हमें साल के 11 महीने तक उसका इयादा करते रहें, उसको अमल में लाते रहे, क्योंकि ये कुरान है बार बार पढ़े जाने वाली किताब। तो इस किताब को अल्लाह ने उस लैलतुल कद्र में नाजिल किया। लैलतुल कद्र की अहमियत इतनी ज्यादा है कि हम उसे पाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि हम उसे ग्रांटेड ले रहे हैं। उन दिनों में आजमाइश और बढ़ जाती, इतनी आजमाइश बढ़ जाती है मेरी बहनों उन दिनों में कि लोग क्या करते हैं कि मतलब अरे डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा है, वो फला उसे भारी भारी डिस्काउंट्स दे रखा है, वो फला जगह पर अपनी बहनों को एडवाइस भी करती हैं, अरे तुमको पता है वहां जाओ वो फुल जबरदस्त मिल रहे, जबरदस्त नया स्टॉक आया हुआ है, जबरदस्त डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। वो डिस्काउंट्स के पीछे हम गए, स्टॉक के पीछे हम गए, तो फिर क्या कदर की हमने लैलतुल कद्र की, क्या कदर जानी हमने कुरान की। ये दिन वो है कि मतलब रमजान के आखिरी अशरे में हमें कसरत से अल्लाह की इबादत कर, कसरत से। अब पिछला जो हो चुका हो चुका, पिछला रमजान गुजरा, हमने कितनी टूटी फूटी इबादतें की, कितना किया, कितना अल्लाह के हुजूर हमने गिड़गिड़ाया, कितनी अपनी माफी तलबगार की, क्योंकि माफी के तलबगार हम किस कदर हुए ये हम खुद बेहतर जानती है मेरी बहनों। आगे के लिए फिर अच्छी तैयारी करें, आगे के लिए सोच के रखे कि नेक्स्ट रमदान में मैं अल्लाह मुझे पहुंचा दे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदानन, जो दुआएं करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो तीन महीनों पहले से ही शुरू कर देते थे दुआएं कि अल्लाह मुझे रमजान तक पहुंचा दे। क्योंकि रमदान तक पहुंचाना क्यों है? क्योंकि वो सादतों से, वो रहमतों से, वो बरकतों से मैं फैजियाब हो सकूं। दुआ करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसमें एक रात ऐसी आती है कि सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, वो सरासर सलामती वाली होती है। कहा कब तक? हिया हत फज्र, फज्र के तुलू होने तक, फज्र के तुलू होने तक मुसलसिल उसमें रहमत ही रहमत होती। सुभान अल्लाह, आप एक बात से अंदाजा लगाइए मेरी बहनों, जब एक रात में जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया तो उस रात की इतनी अहमियत बता दी, इतनी अहमियत बता दी कि हजार महीनों से बेहतर उसे कहा, इतनी अहमियत बता दी कि 83 साल तक जो आप इबादत करेंगे एक रात में इबादत करने का उतना ज्यादा सवाब बताया गया। जब इतना ज्यादा सवाब, इतना ज्यादा कद्र अल्लाह ने एक रात की नुज़ूर कुरान की वजह से, तो नुज़ूर यानी कुरान की कितनी अहमियत ये जानिए आप। एक रात इतनी अहमियत वाली बन गई उसमें कुरान नाजिल होने की वजह से, तो कुरान की कितनी अहमियत है इस बात को आप गौर करिए, गौर करिए इस बात पर।
और हमें सिर्फ गौर करके खामोश नहीं बैठ जाना, चलिए हमने गौर कर लिया, हमने गौर कर लिया, हमने जान लिया कि हाँ ये चीज है, ये कदर वाली रात है, इसमें कुरान का नुजूल हुआ, वाकई में कुरान की अहमियत तो अहमियत ही है, लेकिन क्या हमने अपनी अमली जिंदगियों से इसे वाजह किया कि ये हमने कुरान की कदर को जाना, वो असल बात है। तो आज से क्या करेंगे मेरी बहनों, जिन बहनों ने भी आज तक यानी इसको मामूल नहीं बनाया अपना, वो अपना मामूल बना ले। क्या बात का कि हम कम अज कम कुछ आयतें कुरान की रोजाना पढ़ेंगे, चंद आयतें, कम अज कम एक रुकू ही सही, कम अज कम तीन आयतें, तीन चार आयतों से शुरू करिए, तीन चार आयतों से शुरू करते 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 आपको इंशाल्लाह एक आदत ऐसी बन जाना चाहिए कि कुरान के कम अज कम एक रुकू को मैं रोजाना समझूं, उस पर अमल पैरा हो जाऊं, समझूं अमल पैरा हो जाऊं, और ये जो अहकामात इलाही है उसको बार बार उसका अदा करूं, लोगों के सामने बयान करूं कि देखो अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया, कुरान में ये फरमाया, कुरान में कद्र वाली रात बताई, कुरान की कद्र अल्लाह ने कुरान में खुद बतलाई, वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ उसको अल्लाह ने महीनों का बादशाह बना दिया, वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुई उस रात को हजार महीनों से बेहतर बना दिया। तो कुरान की कद्र हम जाने बहनों, अगर हम कद्र नहीं जानेंगे कुरान की तो फिर सांस उखड़ते ही हमारा मामला अल्लाह के सामने आएगा, और अल्लाह ताला के सामने वो नबी जो हमारे लिए रातों को रोया करते थे, वो नबी जो हमारे लिए रातों को रोया करते थे, वो नबी हमसे कहेंगे, यानी उन लोगों से कहेंगे जो कुरान को छोड़ दिए हैं, उन लोगों से कहेंगे कि देखो अल्लाह इसको पकड़ना, इसने कुरान को छोड़ दिया था। नबी खुद कहेंगे, नबी खुद जो उम्मत के लिए दुआगो होते हैं वो नबी खुद कहेंगे कि अल्लाह इसको पकड़ना, इसने कुरान को छोड़ दिया था। तो कुरान को नहीं छोड़ना है मेरी बहनों, कुरान को छोड़ेंगे तो नबी खुद हमारे खिलाफ हो जाएंगे, कुरान खुद हमारे खिलाफ हो जाएगा आखिरत में। कुरान को यानी हदीस है ना, हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो हदीस है, और से सुनिए हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ होगा क़यामत के दिन, या तो तुम्हारे हक में होगा या तो तुम्हारे खिलाफ होगा। अब ये हम पर मुनहसर है, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कुरान को अपने लिए यानी अपने हक में बनाए या अपने खिलाफ बनाए। आपको पता है सूरतुल मुल्क रात में जो रोजाना पढ़कर सोते हैं तो सूरतुल मुल्क आखिरत में अल्लाह के सामने झगड़ेगी, बोलेगी अल्लाह ये बंदा मुझको पढ़ता था, मेरी तिलावत करता था, तिलावत यानी पढ़ना समझना और अमल करना। तो सूरह मुल्क कहेगी अल्लाह ये बंदी मेरी तिलावत करती थी, मुझे पढ़ती थी, समझती थी, मुझ पर अमल करती थी, अल्लाह इसे जन्नत में डाल। तो जब तक इसे जन्नत में नहीं डालेगा मैं यही ठहरी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, अल्लाह इसे जन्नत में डाल। यानी कुरान गोयाई करेगी, यानी अल्लाह ताला तो अल्लाह की ये मर्जी, अल्लाह ताला जिसको चाहे कुव्वत गोयाई बख्श दे। कुरान को बोलना आना ये भी सुभान अल्लाह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी कयामत के दिन, कि अल्लाह ताला कुरान को कुव्वत गोयाई बख्शेगा, सूरह मुल्क अल्लाह के सामने आकर इल्तिजा करेगी कि अल्लाह इस बंदी को जन्नत में डाल, सिफारिश करेगी कुरान हमारे लिए। अगर यही कुरान की कदर हमने नहीं की, इसके अहकामात को नहीं पढ़ा, इसके अहकामात को समझे नहीं, हम अमल नहीं किए, दूसरों को नहीं पहुंचाए। बस छोटी सी चीज है मेरी बहनों, आखिरी नसीहत छोटी सी चीज है कि आपको कुरान को पढ़ना है, उसका हक अदा करना है, उसको समझना है, उस पर अमल करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, बस इतना ही काम है। अब ये जोहदे मुसलसिल में आप लगे रहेंगी तो इंशाल्लाह कुरान मेरे और आपके हक में होगा, हमारे हक में ठहर जाएगा कुरान, बोलेगा अल्लाह ताला इसने तेरा हक अदा किया, इसने तेरे कलाम का हक अदा किया, इसे जन्नत में डाल दे, कुरान सिफारिश करेगा। और वही अगर हमने कुरान को नहीं पढ़ा, उसके साथ हमने मोहब्बत का हक अदा नहीं किया, उसकी मोहब्बत का उसकी कदर नहीं किया हमने, उसका हक अदा नहीं किया हमने, तो फिर वो कुरान हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगी, कुरान हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगी। तो हमें अपने खिलाफ कुरान को नहीं करना है, हमें अपने हक में गवाही देने वाली बनाना है अपने कुरान। तो अल्लाह ने आपको दिया कुरान, मुझे दिया, तो हमें चाहिए कि हम उसको सीनों से लगाए रखें, हम उसको अपनी जिंदगियों का नज़्मुल ऐन बनाएं, नज़्मुल ऐन बनाएं, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका उससे बनाएं, हम सुबह शाम उसके अहकामात पर चलें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जो कद्र की सूरत आज हमने पढ़ी है उसको वाकई में यानी जो कद्र अल्लाह ताला ने हमें बतलाया है वो कद्र हम करने वालियां बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।